हमारे एक्टर्स जो हैं वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन अब ये अपनी क्रिएटिविटी को अलग अलग क्षेत्रों में एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्हीं में से एक अभिनेत्री हैं पारुल गुलाटी। जी हाँ, ना सिर्फ ये एक्टिंग करती हैं, लेकिन सिंस शी डील्स विद अ लॉट ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो इन्होंने अपनी एक हेयर एक्सटेंशन की कंपनी खोली है जिसका नाम है नीश। अब देखिए, फैशन की दुनिया में आज के दौर में बिना हेयर एक्सटेंशन के तो मानो लुक पूरा होता ही नहीं। तो चलिए इस एक्ट्रेस एंड बिजनेस वुमन से आज करते हैं खास मुलाकात, एंड लेट्स फाइंड आउट कि हेयर एक्सटेंशंस एक्चुअली होती क्या हैं, बनती कैसे हैं और इनके फायदे क्या हैं। वेलकम टू माय ऑफिस। To show you guys what my day looks like, because there are a lot of perception ki mera din aisa hota hai ya fir waisa hota hai, so what better than I will show you myself. पहले तो मेरा घर से था हमेशा ऑफिस, सबसे पहले मेरे घर से हुआ, फिर मैंने बिल्डिंग में एक और घर लिया 1 BHK, फिर मैंने 2 BHK लिया, वो भी छोटा हो गया। तो मेरे कस्टमर आए थे अपनी वाइफ के साथ, वो कहते बेटा तुम्हें ना बड़ी जगह की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं ढूंढ रही हूँ अंकल, मुझे कुछ मिल नहीं रहा। इस यहाँ पहले बी ब्लंट होता था एंड ये जगह आपके लिए परफेक्ट रहेगी क्योंकि यहाँ पे सलोन था और बहुत खुला है। मैंने कहा ओके। सो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया इस पर्सन से एंड आई वॉज लुकिंग फॉर इट, बट मुझे लगता है कि मुझे खुद से आगे से आके किसी ने बता दिया एंड इट फेल्ट लाइक कि मे बी ये इट वॉज मेंट टू बी। पहले लोग मेरे पास आते नहीं थे, मैं जाती थी। मैंने शुरू किया ये पॉपअप्स एग्जिबिशंस, एक लिल फ्ली होता है बॉम्बे में विच इज़ वेरी फेमस, सो आई स्टार्टेड फर्स्ट, मैंने अपना बूथ वहाँ लगाया एंड मेरा सबसे डिफरेंट था। हेयर एक्सटेंशंस कौन बेचता है फ्ली मार्केट में? सो आई वॉज कॉलिंग पीपल, हाई डू यू वॉन्ट टू ट्राई हेयर एक्सटेंशंस, हाई, सो आई वुड ड्रैग दैम। Magic happens. So something like all the clip-ins हम यहीं पर बनाते हैं, फिर फाइनली उन पर यहाँ पर क्लिप्स लगते हैं। सो मशीन पर हम इन बालों को सिलते हैं पहले, जैसे ये हाईलाइटेड प्रोडक्ट है, दिस इज़ इन इट्स रॉ फॉर्म। फिर इसकी जो फाइनल प्रेप होती है, देन इट हैपन्स हियर, क्वालिटी चेक, और फिर उसके बाद इट्स द फाइनल प्रोडक्ट विच रीचेज यू। कम आई शो यू। सो यहाँ पे प्रोडक्ट का फाइनल टचेस होता है, क्वालिटी चेक होता है। जैसे अभी ये बैंग्स हमने बनाई है, तो हम उसे फाइनल टचेस यहीं पे करते हैं। वी जस्ट चेक। सी आई एम एन ऑनलाइन शॉपर, सो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जब कोई प्रोडक्ट लेना मुझसे, मैन यू ओपन इट अप, एक वो फीलिंग आना चाहिए, ओ इट्स लग्जूरियस। आई नो दिस प्लास्टिक पैक मे नॉट सीम लग्जूरियस, बट एक सैटन पाउच में होना, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड होना, दैट्स जस्ट बेसिक। एंड आई लव दिस कलर, दिस इज़ अ निश ब्लू कलर। वी आर
आर ट्राइंग दिस प्रोडक्ट विच इज आर हेयर टॉपर. सो व्हाट इट डज, ये पूरे एरिया को कवर कर सकता है. सो एनीबॉडी हु हैज लेट्स से ग्रे कलर, ग्रे हेयर, जो अपना वो कलर नहीं करना चाहते, सो आप क्या करो, सो यू जस्ट क्लिप दिस फ्रॉम ऑन टॉप. And now you come close and see. Look now. It looks actually just like a human scalp. Whereas it's not a scalp. Agar aap ise uthaye, so ye ek topper hai. So this helps in coverage. This helps with hair thinning, hair loss. शुरू में सबको लगता था बाल बना रही है, बीज बना रही है, इसका मतलब क्या है, मतलब करते क्या है ये, और ये तो फेक होगा, ये तो नहीं असली लगेगा. सो जस्ट टू फर्स्ट मोल्ड द थिंकिंग एंड नॉट जस्ट ऑफ 5-10 पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर इंडिया, टू मेक वुमेन फील कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू हेयर टॉपर्स, हेयर एक्सटेंशंस. एंड दैट स्टार्टेड विद मी डूइंग पॉप अप्स, मी बीइंग ऑन शूट. कोई भी मुझे मिल जाता था जो मुझसे बालों के बारे में बात करते, जिसने बाल बोल दिया, मैंने उसे पूरी निशहर की हिस्ट्री बता देनी थी. आई से वुमेन कैन मल्टीटास्क, एज सिंपल एज दैट, एंड उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता. वुमेन कैन डू इट ऑल. सो आई एम मैनेजिंग, जब मैं ये नहीं कर रही होती, लाइक फ्रॉम लास्ट 3 डेज आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग एज एन एक्टर, बट लकीली अभी टीम भी है, एक प्रॉपर टीम है, एंड माई मदर हेल्प्स मी इन बिजनेस, तो एक उनसे मुझे मिलता रहता है क्या चल रहा है. सो आई फील आई एम लकी टू हैव पीपल अराउंड मी, अ टीम अराउंड मी हु आई कैन ट्रस्ट. एंड एज एन एक्टर मुझे जितना टाइम मिलता है वो कम ही होता है. सो आई ऑल आई टेल वुमेन हु आर वॉचिंग दिस कि आप सब कर सकते हो अगर आपके पास विल है और एक विजन है. ये दोनों अगर साथ में हो तो यू कैन अचीव एनीथिंग. ABP News, आपको रखे आगे.